राधे कृष्ण दोस्तों, ये तो सबको पता है कि नाम जप ही हमारे सारे विषय आकर्षणों को नष्ट करता है, सारे विकारों को खत्म करता है। और ये भी मान्य है कि कृष्ण नाम ही एक साधक को प्रेम के योग्य बनाता है। किंतु जब हम असलियत में नाम जप करते हैं, जो हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है उसे शुरू करते हैं, इसके बीच की जो यात्रा है वो हर एक साधक को उपासकों को समझना होगा। जब उपासक नाम जप करता है तब उस समय उसका मन संसार के विषयों में जाता है ताकि आत्मा नाम से दूर हो जाए। ये सब मन के चंचलता के कारण और अज्ञानता के कारण होने लगता है, इसलिए वो हमें हमारे गुरुदेव से दूर करना चाहते हैं। इसी कारण हृदय में बेहद जलन होने लगती है, ऐसा लगने लगता है इतना विषय आकर्षण हो रहा है तो नाम जप छोड़ ही दूं। ऐसे भी भावना आती है जलन के कारण, ऐसा भी लगने लगता है कि नाम जप नहीं कर रहे थे तब तो अच्छा था, पर अब जलन होने लगी है, प्रतिकूलता होने लगी है, व्यवहार में आंतरिक बाहरी प्रतिकूलता तथा लोग हंसी उड़ाने लगे हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता, इस प्रकार कई तरह के संकट आपको दिखाई दे सकते हैं। परंतु ये सब कुछ हर एक साधक के साथ होता है। नाम जप के शुरुआत से प्रभु के प्रेम तक ये यातनाएं होने लगती है। 42 लीला में साफ साफ लिखा है कि भजनी ऐसो चाहिए जैसे सुर रन माय खंड खंड होए जाए, तन फिर के चितवन नाए। अर्थात नाम जप करने वाला उपासक ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला होना चाहिए कि चाहे शरीर खंड खंड हो जाए फिर भी पीछे लौट के नहीं देखना चाहिए। जैसे युद्ध में सेना अपने प्राणों के अंत तक लड़ती है, युद्ध से भागती नहीं, ठीक वैसे ही भजनी को दृढ़ निष्ठ होना पड़ेगा। नाम जप के समय अंदर से हमें विकार परेशान करेंगे और बाहर से व्यवहार प्रतिकूल होता जाएगा, फिर भी हमें हमारे नाम जप को रोकना नहीं है, विश्वास पूर्वक चलना होगा, प्रभु पे विश्वास रख के चलना होगा कि एक दिन तो नाम जप सधेगा ही सधेगा, उसकी एक दिन सिद्धि होनी ही है। इससे निश्चिंत आपका व्यवहार भले ही प्रतिकूल हो, जैसे जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे वैसे व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है, व्यवहार शरीर से जुड़ा है इसलिए वो असत्य है, इसलिए चिंतित मत होइए। और जब नाम जप चलेगा तब ही तो असत्यता मिटती जाएगी, जिससे हमारा मन अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए जप के समय जलन वगैरह होने लगता है, मन नहीं लगता, पर भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी। इसलिए घबराइए मत, डरिए मत, मन नहीं लगता वगैरह वगैरह ये सबके साथ होता है, आपको बस अंत तक नाम जप को छोड़ना नहीं है, यही प्रतिज्ञा आज आपको लेनी है, तभी प्रेम प्रकट होगा और मन प्रभु में लगने लगेगा। भजन मार्ग एक आत्मा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ संघर्ष मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको इसे गले लगाना ही होगा, तभी प्रेम उमड़ आएगा प्रभु के प्रति, क्योंकि जितना तड़पोगे उतना ही प्रेम मिलेगा, ये तो आप भी जानते हैं, इसलिए नाम को अधूरा मत छोड़िए, अंतिम सांस तक इसे चलते रहने दीजिए, चाहे कितनी भी बिकट परिस्थिति ही क्यों ना आए, एक दिन माया को परास्त होना ही है। शुभम भवतु, कल्याण मोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।